हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ध्यान रहे, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी स्टॉक की खरीदारी या बिकवाली में हमारी कोई राय नहीं है। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट। RSI 60 के ऊपर, स्टॉक बुलिश। ठीक है, स्टॉक बुलिश है, कोई दिक्कत स्टॉक में है नहीं। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी देखने को मिल सकता है, बाकी वीकली चार्ट पर एक बार एडजस्ट करेंगे। वीकली चार्ट RSI 60 के ऊपर, ठीक है, RSI 60 के ऊपर है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो ये रेजिस्टेंस मान सकते हैं इसको आप। लेवल है 66 रुपये का, ठीक है। नीचे सपोर्ट लेवल बनेगा एक 54 रुपये के आसपास, ठीक है। डेली चार्ट, डेली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली चार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे स्टॉक साइडवेज मूवमेंट आपको स्टॉक में नजर आएगा, ठीक है। तो अब बात करें खरीदारी की, तो स्टॉक को थोड़ा सा इस लाइन को एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ये बात। तो यहाँ पर यदि स्टॉक इसको रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है तो फिर तो स्टॉक नीचे जाना ही है। जो ऑलरेडी बाय किए हुए हैं वो लगभग 63 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है, 67 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। 67 रुपये के ऊपर क्लोजिंग होगी तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। बात करें टारगेट की, तो टारगेट आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा? लगभग आपको 84 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 84 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रहे 64 रुपये 76 पैसे, लगभग सॉरी 67 रुपये, 67 रुपये के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो हमारे हमारे लिए खरीदारी का मौका बन सकता है, ठीक है यहाँ पर। और जो ऑलरेडी बाय किए हैं उनके लिए मैंने स्टॉप लॉस बता ही दिया आपको, 63 रुपीज का स्टॉप लॉस है। 63 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार याद दिला दूं, स्टॉक के वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, खरीदारी या बिकवाली में हमारी कोई राय नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।